अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न दिया है, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और पार्ट ए में हमें फाइंड करना है कि राइट डाउन दी 8th लाइन ऑफ द पैटर्न। अब जो भी लाइन है, लेट्स से जैसे कि फर्स्ट लाइन है तो स्टार्टिंग नंबर हमारे पास फर्स्ट है, अगर सेकेंड लाइन है तो स्टार्टिंग नंबर सेकेंड है, थर्ड लाइन है स्टार्टिंग नंबर थर्ड, तो अगर हमारे पास ये कह रहा है 8th लाइन है तो स्टार्टिंग नंबर हमारे पास होगा 8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उनके सब नंबर से स्क्वायर है। माइनस जो नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है वो इस नंबर से एक नंबर पीछे वाला है, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर था तो ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। और जो फाइनल आंसर है जो इक्वल टू के राइट पर है, दैट इज द सबमिशन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, इसी तरह हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 7 इज 15। ये हमारे पास पार्ट वन का आंसर है। द nth लाइन ऑफ द पैटर्न, nth लाइन में क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर है वो तो n है, तो ये जो आएगा हमारे पास n² माइनस जो नेक्स्ट नंबर है वो इस नंबर का प्रीवियस नंबर है, पहला वाला नंबर है, ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है वो इस नंबर का पहला नंबर है, देखिए 3 का 2, 4 का 3, तो अगर n होगा तो उसका प्रीवियस नंबर हमारे पास आएगा n-1 होल स्क्वायर। अब इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n² माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज a² माइनस 2ab प्लस b² ब्रैकेट ओपन किया तो n² माइनस n² प्लस 2n माइनस 1, n² n² कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2n-1। ये हमारे पास इसके पार्ट टू का आंसर हो गया, ठीक है, ये पार्ट वन का आंसर था। यूजिंग द पैटर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 340² माइनस 339 स्क्वायर, बेसिकली जो दो नंबर्स लिखे होते हैं, जो आंसर आता है वो उन दोनों का एडिशन आता है, तो इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 679 के, इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट में द इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट x² माइनस y² इक्वल टू 701, तो 701। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो एक दूसरे के कंजेकेटिव नंबर्स हों, और जब उनको हम ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 701 आ जाए। कंजेकेटिव मतलब ये होता है जैसे कि एक नंबर 5 है तो उसका अगला नंबर हो जाएगा 6, तो ये दोनों कंजेकेटिव नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स जो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो एक के बाद एक नंबर आते हैं, उनको हम कहते हैं कंजेकेटिव नंबर्स। अब पहला काम हम ये करेंगे, अगर हम 701 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर डेसिमल्स में आएगा, तो हम ले लेंगे 700 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आया 350। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो नंबर्स हमारे पास हैं उनमें एक नंबर होगा 350 और दूसरा नंबर होगा हमारे पास 351, ये दोनों कंजेकेटिव नंबर्स भी हमारे पास, और इसको हम इस पैटर्न में लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 701 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस 20, 16.5, 13, 9.5 एंड 6। पहला काम डिफरेंस निकाल लें, तो 16.5 माइनस 20, इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3.5, ठीक है, मतलब डिफरेंस की वैल्यू आ गई -3.5, तो 6 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें भी 3.5 हम लोग माइनस करेंगे तो इट विल बी 2.5, और जो उसके बाद वाली टर्म होगी उसमें भी हम 3.5 माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास -1, तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स हो गई। पार्ट बी, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, नंबर्स हैं हमारे पास 1, 4, 7, 10, 13, इसका मतलब डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट है, वो डिफरेंस 3 का है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 3 है, डिफरेंस कांस्टेंट है, फार्मूला अप्लाई करेंगे a+n-1d, ए की वैल्यू 1, n-1, डिफरेंस की जगह 3 आ गया तो 1 + 3n-3, तो फाइनल आंसर 3n-2 आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिएगा, हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया nth टर्म का, December 03 P1 क्वेश्चन नंबर 18, वहाँ भी हमने कुछ ऐसी अप्रोच यूज़ की जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे, और अप्रोच हमारे पास सिंपल अलजेब्रा की है कि a² माइनस b² इक्वल टू a+b एंड a-b, ठीक है ना, ये हमारे पास रिलेशन होता है, हम इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक पैथागोरियन ट्रिपल की बात की जा रही है, उसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, a, b और c। अच्छा, कंडीशन ये है कि c सबसे बड़ा, b उससे छोटा और a सबसे छोटा, तो जो शुरू के जो सबसे दो बड़े नंबर हैं जब उनका डिफरेंस ले रहे हैं तो हमारे पास a बन रहा है, ठीक है ना, यही चीज़ उन्होंने यहाँ शो की है, सबसे बड़ा c
उससे छोटा बी, इनका जो डिफरेंस है वो आया हमारे पास है, हमने इसी को अप्लाई करना है। पहले पार्ट में इसने कहा इन द सेम वे शो दैट 7, 24 एंड 25, सबसे बड़ा नंबर 25, उससे छोटा नंबर 24, तो 25² - 24² इसका आंसर हमारे पास, सॉरी ये इक्वल टू नहीं माइनस है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 49, और 49 हमारे पास बेसिकली 7² होता है। तो ये हम लोग जो पैथागोरियन ट्रिपल है वो हम लोग इस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस उससे छोटे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर, ये चलेगा हमारे पास। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी, इन विच द लास्ट टू इंटीजर्स आर 40 एंड 41। अब ये कह रहा है लास्ट टू डिजिट्स, इसका मतलब कि पहला डिजिट इसने मिस कर दिया, और पहले का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा नंबर मिस है। तो पैटर्न वही कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस उससे छोटे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर। अब 41 स्क्वायर में से अगर हम 40 स्क्वायर माइनस करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 81, और 81 इज बेसिकली व्हाट, 81 इज 9 स्क्वायर। तो हमारे पास पार्ट बी के पार्ट वन का आंसर आएगा हमारे पास 9। पार्ट टू, इन विच द फर्स्ट इंटीजर इज 11। अब फर्स्ट इंटीजर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर और उससे छोटा नंबर हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। गौर से देखिएगा, देखें 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 121, ठीक है। इसका मतलब दो नंबर्स ऐसे कि जिनको जब हम ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 121 आ जाए, वो दो नंबर्स हमारे पास 60 और 61 होंगे। सबसे बड़ा नंबर 61 हो जाएगा, उससे छोटा नंबर 60 हो जाएगा, तो 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपल बनेगा इस वाले पार्ट में। तो ये दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 61 है और एक 60 है, ये हमारे पास पार्ट टू का आंसर है। पार्ट सी का भी पार्ट वन, उसमें इसने कहा सिंप्लीफाई एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करी आपने तो एन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर क्या है हमारे पास 2n+1, ये हमारे पास सी के पार्ट वन का आंसर। सी का पार्ट टू, हेंस फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपल इन विच द फर्स्ट इंटीजर इज 101। फर्स्ट इंटीजर आपको मिल गया 101, सबसे पहला काम ये करते हैं कि 101 का स्क्वायरिंग करते हैं। अगर आपने 101 की स्क्वायरिंग करी, इसका आंसर हमारे पास आएगा 10201। अब हमने दो नंबर्स वो ढूंढने जो सबसे बड़ा हो और फिर छोटा हो, तो बहुत आसान सी टेक्निक कि आप इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करो तो आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमने डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 51500.5। इसका मतलब कि एक नंबर उनमें से हो जाएगा 5100 और एक नंबर उसमें से हमारे पास होगा, दूसरा नंबर आएगा 5101। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास जो पार्ट टू का आंसर है। तो ये हमारे पास सी के पार्ट टू का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट डी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपल इन विच द लास्ट टू इंटीजर डिफर बाय 2। पहली चीज, डिफरेंस क्या है पहले में और अभी में। पहले में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा था इन दो नंबर्स का, वो हमेशा 1 आ रहा था, और इसी डिफरेंस को चेंज कर दिया है पार्ट डी में कि अब जो ये डिफरेंस आएगा ये हमारे पास 2 का आएगा, ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 35, 37, यहाँ पर आपको पहला नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या होगा अभी पता लग जाएगा। जो पहला ब्रैकेट होगा इसका डिफरेंस हमेशा 2 का आएगा, तो ये 37 - 35 का डिफरेंस आ जाएगा 2, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा वो इनका सम्मिशन आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, यहाँ पर आएगा 37 + 35, तो इट विल बी 2 × 72। इसका मतलब ये हो गया 144, और 144 का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, तो पहले का आंसर आ गया आपके पास 12 स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको पहला नंबर पता है, दैट इज 16। मसला ये है कि बाकी के दो नंबर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो आंसर आएगा ये आएगा 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर का मतलब ये हो गया 256, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 256। यहाँ पर वो नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 256 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा हमारे पास 128। अब इन ब्रैकेट्स में से एक में तो आएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर भी 2 चल रहा था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 आएगा। यहाँ पर वो दो नंबर्स आएंगे जिनका डिफरेंस जब हम लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा 128। कैसे निकालेंगे गौर से देखिएगा,
सबसे पहला काम 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64। इसका मतलब जो दो नंबर्स हमें चाहिए वो हैं 65 और 63। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 65 माइनस 63 और दो मिसिंग नंबर हो गए 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। अब इस पूरी कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 16 स्क्वायर ही बनेगा जो कि हमें चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई 4n² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4n² माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी बल्कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मैं बता दूँ आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4n² प्लस 1 a प्लस बी प्लस 4n² माइनस 1, ये हो गया a प्लस बी और सेम एक ब्रैकेट बनेगा इसमें आएगा a माइनस बी, ठीक है। ये ब्रैकेट बन गया, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4n² प्लस 1 प्लस 4n² माइनस 1, एक ब्रैकेट बन गया। यहाँ पर भी सॉल्व किया 4n² प्लस 1 माइनस 4n² प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पर और यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया। सॉल्व किया मजीद तो ये आएगा 4n² प्लस 4n² इज 8n² मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2, सो ये आ जाएगा 2 8 16n² और इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 4n होल स्क्वायर के। तो ये हमारे पास सी के पार्ट 2 का आंसर है, ठीक है, ये पार्ट 2 आ गया सी का हमारे पास। अच्छा, अब जो इसका लास्ट पार्ट है, फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपल इन विच द फर्स्ट इंटीजर इज 400 एंड द अदर टू इंटीजर डिफर बाय 2। ये सेम यही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, सेम वही टेक्निक दोबारा अप्लाई होगी, ठीक है। कैसे होगी गौर से देखिएगा, फर्स्ट नंबर आपको पता है दैट इज़ 400, जैसे वहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पता था 16 था हमारे पास। तो लास्ट में क्या था, लास्ट अगर यहाँ देखा जाए तो लास्ट में क्या था, लास्ट में लिखा था 16 स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 400 स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे बैकवर्ड में। तो 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 400 स्क्वायर इज 1,60,000, तो ये आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। और इससे पहले अगर हम देखें तो क्या था, इसका 2 मल्टीपल कौन सा नंबर होगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1,60,000 आ जाएगा, तो ये आएगा 80,000। ये कहाँ तक पहुँचे हम, अभी तक हमने इस स्टेप को यहाँ तक फुलफिल किया हुआ है, ठीक है। मजीद बैकवर्ड करेंगे तो ये आएगा, अब वो दो नंबर्स हमें चाहिए जिनका, जो दो कंजेकेटिव नंबर्स हमें चाहिए, तो अगर हम 80,000 को डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये हमारे पास आएगा 40,000, ठीक है। 40,000 आंसर नहीं है, 40,000 से ये मालूम पड़ गया कि एक नंबर होगा 39,999 और एक नंबर होगा 40,001। ये दो नंबर्स हैं हमारे जो फाइनल आंसर होंगे, ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट के जो दो इंटीजर्स की बात की जा रही है, वो दो इंटीजर्स हमारे पास ये आंसर्स हैं, ये फाइनल आंसर्स हैं हमारे। बॉब मेक्स फेंसेज यूजिंग आइडेंटिकल मेटल रॉड्स 1 meter लॉन्ग। द रॉड्स आर बोल्टेड टुगेदर एट देयर एंड्स। सम फेंसेज विद डिफरेंट लेंथ्स आर शोन बिलो। द टेबल शोज द नंबर ऑफ बोल्ट्स एंड रॉड्स यूज्ड फॉर वेरियस लेंथ। लेंथ पता है 1, 2, 3, 4, आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स पता है 5, 8, 11, p। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। कभी भी nth टर्म में हम कोई भी अननोन फाइंड करते हैं, सबसे पहली चीज होती है हम उसका डिफरेंस देखें। 5 और 8 का डिफरेंस 3 आया, 8 और 11 का डिफरेंस भी 3 आया, इसका मतलब 11 और p का डिफरेंस भी 3 होगा, तो 11 प्लस 3 इज 14, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 14। इसी तरह q पर आएंगे तो 6, 13 का डिफरेंस 7, 13, 20 का डिफरेंस 7 और 20 क्यू का डिफरेंस भी 7 होगा, तो 20 प्लस 7 इज 27, तो ये हमारे पास q का आंसर आ गया, दैट इज 27। इन पार्ट बी इट इज बी इज इक्वल्स टू 3n प्लस k, वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, सिंपल ये कह रहा है कि जो b है ना, इसका nth टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 5, 8, 11 और p की वैल्यू निकाल चुके हैं 14 आई है। कभी भी nth टर्म का सवाल आएगा, पहला काम हमेशा डिफरेंस निकालना है। 5, 8 का डिफरेंस 3, 11, 8 का डिफरेंस 3, 14, 11 का डिफरेंस 3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस एन माइनस 1d। a क्या होता है, a इज फर्स्ट टर्म इज 5, n की जगह n ही रहेगा और डिफरेंस हमारे पास 3 है,
तो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5 + 3n - 3, मतलब ये आ जाएगा 3n, 5 - 3 = 2, तो 3n + 2 हमारा आंसर आया। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3n + k और यहाँ पर 3n + 2, इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास 2 है। पार्ट सी में भी हमें nth टर्म फाइंड करने का ही कहा है, ठीक है। r की बात करें, नंबर्स के हमारे पास 6, 13, 20 और 27, डिफरेंस हमारे पास 7 का है। कांस्टेंट डिफरेंस फार्मूला अप्लाई किया, a + n - 1 d, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, n की जगह n रहेगा, डिफरेंस हमारे पास 7 आ गया, 6 + 7n - 7, तो 7n - 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट सी का। पार्ट डी, बॉब हैज 200 bolts and 400 rods, लेंथ है उसके पास 6 meters ना। हमारे पास जो बोल्ट्स का रिलेशन आया, जो बोल्ट की हमने nth टर्म निकाली है, वो आई है 3n + 2, सही है। अब चूंकि n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6, तो पहले हम 6 को पुट करेंगे, तो ये आएगा 3 × 6 + 2 = 18 + 2 = 20। इसी तरह अगर मैं रॉड्स निकालूंगा, तो रॉड्स का हमारा रिलेशन है 7n - 1, n की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 7 × 6 - 1 = 42 - 1 = 41। अब हमें ये बताना है कि वो कितनी कंप्लीट फेंसेस बना सकता है। पहले हम बात करते हैं बोल्ट्स, उसके पास 200 बोल्ट्स हैं, तो अगर 200 को मैं डिवाइड करता हूँ 20 से, तो ये आएगा मेरे पास 10। इसका मतलब 10 कंप्लीट फेंसेस वो बना सकता है, अगर हम सिर्फ बोल्ट्स की बात करें। और अगर हम रॉड्स की बात करें, तो ये आएगा 400 / 41। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 400 / 41 को, तो ये आएगा 9.75। इसका मतलब रॉड्स को अगर हम देखेंगे, तो वो कंप्लीट 10 रॉड्स, मतलब कंप्लीट 10 फेंस वो नहीं बना सकता, वो कंप्लीट 9 फेंस बना सकता है, इतनी रॉड्स उसके पास हैं। तो कितनी कंप्लीट फेंस वो बना सकता है, वो 9 बना सकता है, ठीक है। ये मैं समझिएगा कि वो उसके पास जो बी वाली वैल्यू है वो 10 की आ रही, तो 10 बना ले, नहीं, हमने दोनों को देखना है कि यहाँ पर तो 10 बना सकता है, लेकिन रॉड्स में वो सिर्फ 9 कंप्लीट बना सकता है, तो वो कंप्लीट 9 फेंसेस काउंट होंगी, तो 9 इसका आंसर होगा।